पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी विस्तार से जो है रिव्यू मीटिंग हुई है, उसमें एक तो हमने जो टारगेट्स थे उन टारगेट्स पर भी हमने चर्चा की है, और खास तौर से अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत जगह भूस्खलन की परिस्थिति रहती है, लैंडस्लाइड का स्कोप रहता है और जलस्तर भी बढ़ता है, उसके कारण जो है नदी के किनारे जो है काफ़ी जगह नुकसान होने की स्थिति रहती है, इसलिए उनको अलर्ट पर रखा है, सुनिश्चित करें। खास तौर से परवाणु से शिमला, जो हमारी शिमला के लिए 4 लेन का कटिंग का काम लगा है, उसमें स्लाइडिंग के स्कोप बहुत जगह है और स्लाइडिंग के कारण सड़क बंद ना हो, अगर बंद हो भी जाए ऐसी परिस्थिति में उसको रिस्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी काम करें, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को बोलो। इसी तरह से मंडी से कुल्लू के बीच पे भी 4 लेन का काम चला है। निश्चित रूप से हमने वो तय किया है कि एक तो पुलिस विभाग उस सारी चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बीच बीच में ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, अगर रोड्स में काम करते हुए कहीं बरसात के कारण ब्लॉकेज आता है तो उसे सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसमें जो उस ट्रैफिक को ठीक प्रकार से रेगुलेट किया जा सके। पुलिस विभाग को भी बोला है और उसके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भी बोला है कि वो मशीनरी यथासंभव स्थान जैसे इस प्रकार के हैं जहाँ जहाँ आवश्यक लगती है वहाँ पर अपनी मशीनरी भी रखे ताकि इस प्रकार की परिस्थिति हो तो तुरंत सड़क को रिस्टोर कर सके। कल से हम कुछ जगह जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी, दिल्ली में एक रोड शो भी है, उसके बाद गुजरात जाने का भी कार्यक्रम अगर मौसम सब ठीक रहा ऐसी परिस्थिति में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के इन दोनों में फोकस है, उसके साथ साथ में जो हमारे जनरल जो डेवलपमेंट के काम प्रदेश में जो चुनाव आचार संहिता के कारण थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, थोड़े लंबित हो गए थे, तो उनको गति देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं।